अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखिए बुआ जी, इस बार पूरा ऐसा कैंडल थीम पार्टी करेंगे और आयुष्मान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे एकदम धूमधाम से। कैसा लग रहा है सेटअप? बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस बार आयुष के बर्थडे पर 4 चांद लग जाएंगे इन सब से। कमला, दीदी हम ये नहीं कर सकते। आप तो जानती है ना कि इतने सालों से आयुष्मान अपना जन्मदिन नहीं मनाता है, और आपको पता है ना कि आयुष्मान के जन्मदिन के। कमला, हम जानते हैं आयुष को अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर आलिया ने इतनी प्यार से तैयारी की है तो वो भी खुश होगा, क्यों बेटा? आलिया, तुम तो जानती हो ना कि आयुष्मान अपना जन्मदिन घर में नहीं मनाता है। I understand that, माँ। मुझे पता है कि उसे अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन इस बार मैं इतनी शानदार पार्टी दूंगी ना कि वो खुद ही बोलेगा कि मुझे साल में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार सेलिब्रेट करना अपना बर्थडे। So don't worry। बुआ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है बर्थडे की, और आयुष्मान आए तो उसे बोलना मुझे कॉल करे। हाँ बेटा, बता देंगे, संभल के जाना, ठीक है? बाय माँ। बाय। का जरूरत थी? हम पूछ रहे हैं, का जरूरत थी आलिया के सामने अपने अतीत के पन्ने खोलने की? देखो कमला, हम तुमको बहुत प्यार से समझा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इन सब चीजों की वजह से आयुष और आलिया के रिश्ते में कोई दरार आए, समझे? और ये आखिरी बोरी रखने की बारी, जहाँ सारी बहनें अपनी अपनी आखिरी बोरी रखने की कगार पे है, वहाँ गहना अपनी आखिरी बोरी उठा भी नहीं पाई है। देखो गहना, सभी औरतों ने अपनी चौथी बोरी उठा के वहाँ पे रख दी है, तुम अपनी चौथी बोरी नहीं रख पाई, और दूसरा तुम्हारे पति भी यहाँ पे नहीं आए, तो नियम के हिसाब से तुम इस प्रतियोगिता के अगले चरण में नहीं जा पाओगी। ऐसा मत कहिए, प्रतियोगिता जीतना अपने लिए बहुत जरूरी है। हमारे पति नहीं हुए तो क्या हुआ, हमें ना हम भी बोरी हुआ रख भी देंगे और दौड़ भी लेंगे अकेले। अरे काहे दौड़ोगी अकेले, भला अपने अकेले दौड़ करके जीत लोगी? इन सब लोगों का क्या जरूरत था फिर? अपने आप अकेला ही प्रतियोगिता में आती, अकेले ही खेलती, अकेले ही जीत जाती, अकेले ही ट्रॉफी लेके चली जाती। इस सारी की सारी औरतें अपना पति के साथ आई हैं यहाँ प्रतियोगिता में, ये सब बेवकूफ है, बेवकूफ होगा तुम लोग। नहीं नहीं कहना, गलत बोल रही है, गलत बोल रही है। कमाल है, देखो अब ईद
आगे पूरा ईमानदारी से हो, उसके लिए ही बहुत जरूरी है कि तुमको ही प्रतियोगिता से मुक्त किया जाए। हम यहाँ सबके सामने तुमको ही प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित करते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए, ये प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें पैसे की बहुत जरूरत है हमारे भाई के इलाज के लिए, हमें इसमें हिस्सा लेने दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो देखो गैन, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। बात समझो, पहले रोना बंद करो। जो नियम सबके लिए है वो नियम तुम्हारे लिए है। पहले भी हम तुमको ये मौका दे चुके हैं, दिए है ना, और तुम्हारे पति भी यहाँ पे नहीं आए और तुम बोरा भी नहीं रख पाई हो, तो नियम के हिसाब से तुम इस खेल के अगले चरण से बाहर हो, ये समझ लो। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते आपको चुकाइए ना, इंसाफ समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे बस बहुत हो गया, गाना आखिरी बार सुन लो। नियम के हिसाब से जैसा वो कहे कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है तो तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, बात खत्म। गाना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के आ। हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी, आप लोग सर्जरी के लिए 1,00,000 रुपए जमा करवा दीजिए। रुको शक्ति सिंह, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जीजा जी, गहना को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। मैं इसका पति हूं यहां और इस दौड़ को इसके साथ मैं पूरा करूंगा। कमाल है डॉक्टर साहब, गार्डन वार्डन में घूमने फिरने आए हो का, कि जब मन करा मुंह उठा करके चले आए, जब मन करा मुंह उठा के चल दिए वापस। पति दे हो ना इसके, तो जब प्रतियोगिता शुरू हुआ था तो इसके साथ रहना चाहिए था, अब आकर के का फायदा। जाने में देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं किसी का इलाज करके उसकी जान बचा रहा था। डॉक्टर हूं मैं, हमारे काम में ऐसी इमरजेंसी आती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसकी सजा मेरी पत्नी को दें। सौ बात का एक बात, जब प्रतियोगिता शुरू हुआ तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ नहीं थे, और अगर नहीं थे इसका मतलब है कि तुम और ही दोनों इस प्रतियोगिता में अयोग्य हैं। मैंने कहा ना मैं किसी की जान बचा रहा था, और यहाँ कितने लोग हैं जिनमें से किसी ना किसी का मैंने इलाज किया है। आप, उस दिन आपके सर पे चोट लग गई, मलम पट्टी की जरूरत थी, और अगर मैं उस दिन आपको इंजेक्शन नहीं देता, आपका इलाज नहीं करता, तो आप होश में आते या मैं अपने बारे में सोचता तो क्या वो सही होता, बताइए आप लोग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, डॉक्टर बाबू सही कह रहे हैं। डॉक्टर बाबू ने कई लोगों की गाँव में जान बचाई है, इनको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बराबर का हक है। तो ठीक है डॉक्टर बाबू, आप और गहना इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता का अगला चरण शुरू होगा, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त यह है कि प्रतियोगिता जहां पे रुकी थी, जहां अटकी थी, ठीक वहीं से शुरू होगी।
अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।